विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर भारत विकास परिषद की महिला शाखा द्वारा तंबाकू को ना जिंदगी को हाँ विषय पर बच्चों की एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन बैंक रोड स्थित एक संस्था में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर विमल मोदी के अलावा मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, भारत विकास परिषद के सचिव डॉक्टर उषा कुमार, आशीष रुंगटा सहित अन्य पदाधिकारी और प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर बच्चों ने तंबाकू उत्पादों के प्रकार तथा इससे होने वाले नुकसान को अपनी कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया और इसके लिए बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने तंबाकू के प्रयोग से होने वाले नुकसान पर अपने विचार व्यक्त किए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर उषा कुमार और डॉक्टर विमल मोदी ने बताया। स्थित संस्थान है जहाँ पे असाध्य रोगों का इलाज होता है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना करके देश करके वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा निर्देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सन 1988 से दिया गया है और प्रतिवर्ष सन 1988 से विश्व के सारे देश इसको सेलिब्रेट करते हैं। तीन पर्पज है इस दिन के। एक तो ये कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो इस दिन तंबाकू कम से कम का सेवन करें। दूसरे, तंबाकू के हानियों के प्रति सबको अवगत किया जाए और तीसरे, इससे बचाव के रास्ते बताए जाएँ और जो संस्थाएं से मदद करती हैं उसका परिचय दिया। हम अब आते हैं तंबाकू के संक्षिप्त इतिहास में। ये तंबाकू कहाँ से हिंदुस्तान में आया और कैसे इसकी लत फैली, आपको जान के अचरज होगा कि ये भारत हमारा देश जो कि तंबाकू के प्रोडक्शन में नंबर दो पर है पूरे वर्ल्ड में और तंबाकू की खपत में भी नंबर दो पर है और तंबाकू के निर्यात में भी नंबर दो पर है। ये इस देश का पौधा ही नहीं है, तंबाकू अमेर नाम की पत्तियों से बनता है और ये लगभग 8,000 वर्ष पूर्व इसकी खेती अमेरिका में होती थी। अमेरिका से ये कैसे हिंदुस्तान आया, एक महान नाविक हुआ करता था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने समुद्री यात्राओं के लिए, बच्चों ने नाम सुना है क्रिस्टोफर कोलंबस का, सुना है, वो समुद्र में लंबी यात्राएं करता था। वो स्पेन से चला और स्पेन से चल करके वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचा। उसको कई उपहार दिए जिसने के पत्तियाँ दिया, वहाँ से वो उसको ले आया स्पेन से तमाकू की पत्तियाँ जो लोग पहुँची व्यापारियों के द्वारा, वहाँ से पुर्तगाल पहुँची और 1600 शताब्दी में आज से 400 वर्ष पहले ये तमाकू पुर्तगालियों से हिंदुस्तान में पहुँचा। तब से यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार हुए। अब एक स्वाभाविक प्रश्न है कि गिफ्ट में अच्छी चीज़ें दी जाती हैं, तंबाकू क्यों क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया गया? के रूप में, खैनी के रूप में, जर्दा के रूप में खाते हैं और सिगरेट और बीड़ी के रूप में पीते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र ने पूरा इतिहास बता दिया, उनसे तकलीफ बता दी। अब जो बची हुई चीज़ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। उनकी इसकी तलब बार बार लगती है जो खाते हैं। एक तो बच्चों को, खाने वालों को प्यार से आदरणीय पूर्वक मना करना चाहिए, अंकल मत पीजिए। बस अगर उनके पिताजी रोज सिगरेट पीते हैं तो रोज सुबह उनका पैर छू के प्रणाम कीजिए और उनको आदरणीय आदर पूर्वक मना कीजिए कि आप सिगरेट मत पीजिए। दूसरी बात, जब वो पीते हैं तो आप वहाँ से हट जाइए या उनसे कह दीजिए कि आप हमसे दूर जाके पीजिए। और इसकी तलब के लिए एक मुख्य स्वास्थ्य है जिसको आप बना सकते हैं जो तलब को कम करता है। उसमें तीन चीज़ों का प्रयोग होता है, एक तो है सौंफ, अजवाइन और काला मिर्च। तो 100 ग्राम अजवाइन को तवे पे भून लीजिए और उसको भून कर पीस लीजिए।
अजवाइन को और काली मिर्च को अलग से पीस लीजिए और तीनों चीज़ों को मिला दीजिए और जब तड़प लगे तो इसको खाना शुरू कीजिए, इससे मदद मिलेगी। दूसरी बात, जब तलब लगे तो बर्फ चूसिए, बर्फ चूसने से भी तलब की कमी आएगी। ऊपर पानी से कुल्ला कीजिए, आधा मिनट ठंडे पानी को मुंह में रखिए, ऐसा 3 बार कीजिए, मतलब 1 मिनट गर्म पानी को मुंह में रखिए, फिर उसको कुल्ला कर दीजिए, फिर आधा मिनट ठंडे पानी को मुंह में रखिए और ऐसा 3 बार कीजिए तो निश्चित रूप से तलब में कमी आएगी। मेरा नाम डॉक्टर उषा कुमार, मैं कृति कल्चर संस्थान की डायरेक्टर हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने कृति कल्चर संस्थान में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में एक स्लोगन और ड्राइंग प्रतियोगिता का बच्चों के द्वारा आयोजन किया है। बच्चों ने बहुत ही सुंदर ढंग से ड्राइंग के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से एक कोशिश किया है, एक संदेश दिया है कि समाज में जो है टोबैको जो है, तंबाकू जो है, कितना हानिकारक है। चाहे हम इसको किसी भी रूप में प्रयोग करते हैं, सिगरेट के रूप में, खैनी के रूप में, पान के रूप में, गुटखा के रूप में, पान सुपारी के रूप में, अलग अलग तरह से कलर किया हुआ जो भी सुपारी आता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और तंबाकू तो सीधे सीधे इंसान के शरीर पर इसका सीधा सीधा असर होता है, फेफड़े ख़राब होने लगते हैं, बहुत तरह के कैंसर के लोग शिकार हो जाते हैं। तो इन बच्चों इन सभी चीज़ों को लेकर के इसी संदर्भ में बहुत सुंदर ड्राइंग बनाया है और अपनी भावना के अनुसार बच्चों ने इसको बहुत सुंदर चित्र में उकेरा है और एक स्लोगन दिया है कि आप तंबाकू को ना करिए और ज़िंदगी को। हाँ, विश्व तंबाकू दिवस इसलिए मनाते हैं कि हम अपने देशवासियों को स्वस्थ रख सकें। तंबाकू से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारे फेफड़े खराब होते हैं, दमा रोग होता है, खांसी रोग होता है, कैंसर रोग होता है, आदि रोगों से बचाव के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों जनता को समझा रहे हैं कि तंबाकू का सेवन न करें। सरकार भी इस काम को बहुत तत्परता से कर रही है। अब बहुत सी जगह पे आप सार्वजनिक जगह पे तंबाकू सिगरेट पीना वर्जित हो गया है और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और इसे सेवन नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग नशे के आदी हो जाते हैं, उससे बचने के कोई उपाय है? उसके बचने के लिए उपाय है कि एक तो मन को ताकतवर बनाना होगा और जब तलब लगे अगर आप घर पे हैं तो बर्फ़ चूसना शुरू कीजिए, उसके बाद ठंडा पानी, बर्फ़ का ठंडा पानी सिप लेकर पीना शुरू कीजिए तो भी आपकी तलब में कमी आएगी। इसका कितना अभी तक लोगों को इस तरह का नुकसान हुआ होगा? अनगिनत लोगों का नुकसान ही नुकसान हुआ है। बहुत से कैंसर इस मुंह के वजह से, तंबाकू की वजह से होते हैं, सिगरेट की वजह से होते हैं, फेफड़े के कैंसर, मुंह के कैंसर, मतलब इससे निकोटीन निकलता है और 300 तरह के नुकसानदायक पदार्थ इस तंबाकू से निकलते हैं